नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्लस टॉप अपडेट्स में। टॉप अपडेट्स के स्पॉन्सर्स हैं क्रिश्चियन नर्सिंग इंस्टीट्यूट ढालपुर कुल्लू। सोमवार को एसएसबी प्रशिक्षित स्वयंसेवी गुरिल्ला संगठन जिला कुल्लू ने ढालपुर में मासिक बैठक व धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रूप चंद राणा ने की। बैठक में बंजार सर्कल से जुड़े नए सदस्यों की जानकारी दी व जो सदस्य अभी कोर्ट केस में नहीं जुड़े हैं उन्हें 15 मार्च तक जुड़ने का आखिरी मौका दिया गया है। इस बैठक में अखिल भारतीय गुरिल्ला संगठन के मुख्य सलाहकार प्रीतम सिंह ठाकुर विशेष तौर पर उपस्थित रहे व उन्होंने संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। सलाहकार ने बताया कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय व एसएसबी महानिदेशक से शिमला हाईकोर्ट के सन 2008 के फैसले की अनुपालना न करने का जवाब 12 अप्रैल को मांगा है व उसके बाद ही कोर्ट में बहस होगी व फैसला होगा। यदि शिमला हाईकोर्ट का फैसला लागू होता है तो प्रत्येक स्वयंसेवियों के लिए सरकार को उन्हें क्या देना है इसकी स्कीम भी बनानी पड़ेगी। आज जो है इस स्थान पर जिला संगठन कुल्लू जो है ने जो है मासिक बैठक का आयोजन किया। वैसे तो ये बैठकें हमारी हर महीने होती रहती है, लेकिन इस बैठक का जो आज हमारा एक विशेष महत्व था क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो है हमने माननीय हाई कोर्ट में केस दायर किया था जिसका कि 15-18 जनवरी को सुनवाई थी। उसमें जो है हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो है माननीय गृह मंत्रालय और एसएसबी डीजी महोदय को जो है एक डायरेक्शन दी है कि 2008 में जो हिमाचल हाई कोर्ट शिमला ने जो हमारे फेवर में एक फैसला दिया था उसकी उन्होंने कंप्लेंस रिपोर्ट मांगी है। अब बहुत से गुरिल्ला भाइयों के गलत फहमी है, वो बोलते हैं कि हम तो जीत गए हो गया हमारा, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि जब 2008 में माननीय हाईकोर्ट शिमला ने हमारी बारे में एक निर्णय दिया था उसमें उन्होंने लिखा था जो भी गुरिल्ले हैं इनको जो मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेज पैरामिलिट्री इंक्लूडिंग एसएसबी में जो है समायोजन की नीति बनाइए। उसके बारे में उन्होंने पूछा कि 10 साल बीत गए आज तक आपने इसके ऊपर क्या अनुपालना की, उसी के बारे में उन्होंने माना है। लेकिन अब इसमें जो दो बातें स्पष्ट हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि 12 अप्रैल को जो उनको कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा और हलफनामा उनको अलग अलग देना पड़ेगा दोनों। जिला कुल्लू के उपायुक्त यूनिस ने सोमवार को 108 एम्बुलेंस के 4 पायलटों को बेहतरीन कार्य व माइलेज के लिए सम्मानित किया। इनमें पायलट संजय व परमानंद मनाली से व सैंज से राजेश व मनीराम शामिल हैं। यह कर्मचारी पिछले कई सालों से अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर 108 के मंडी जोनल प्रबंधक मुश्ताक अहमद ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सुविधा हिमाचल में पिछले 7 सालों से लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। 108 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस पिछले 7 सालों में अपनी बेहतरीन सेवाएं प्रदेश के लोगों को दे रही है। उसी के अंतर्गत आज हमने डीसी ऑफिस कुल्लू में एक R&R एक्टिविटी का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी कुल्लू ने आज हमारे जो बेहतरीन कार्य करने के लिए मनाली एम्बुलेंस और सैंज एम्बुलेंस को आज यहाँ पर सम्मानित किया। लोग जानते हैं कि पिछले 7 सालों से अपनी बेहतरीन सेवाएं प्रदेश को लोगों को दे रहे हैं कि पिछले मंथ हमने जो 10 लाख मेडिकल एमरजेंसीज का आंकड़ा छुआ है, ना कि मेडिकल प्लस पुलिस और फायर केसेस में भी और सड़क दुर्घटनाओं में भी 108 अपनी बेहतरीन भूमिकाएँ निभा रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। कल दोपहर से यहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और देर रात को हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी का ये सिलसिला मनाली के ऊंचाई वाले इलाके नेहरू कुंड व गुलाबा वाले इलाके में सुबह भी जारी रहा, जिसका मनाली घूमने आए सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। पिछले कुछ दिनों से मनाली में हल्की गर्मी शुरू हो गई थी, पर इस ताज़ा बर्फबारी से मनाली का पारा एकदम नीचे लुढ़क गया व लोग फिर से रजाई व मोटी जैकेट आदि का इस्तेमाल करने पर विवश हो गए हैं। किसान बागवान भी ताज़ा बर्फबारी से खुश हैं क्योंकि खेतों व बागों में इससे नमी रहेगी। ताज़ा बर्फबारी से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि मनाली में ताज़ा बर्फ को देखने के लिए आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा संख्या में सैलानी आएंगे, जिससे उनका पर्यटन कारोबार चमकेगा।